जय भीम। लोगों को पता है इसमें जंतर मंतर पर मौजूद है हमारे सामने सिद्धांत गौतम जो एडवोकेट है वो आए हुए यहाँ पे जंतर मंतर पर। अपने हजारों की संख्या में जो भीड़ देख रहे हैं ये सभी जो भीड़ है ये जो संसद भवन से जो बाबा साहब की प्रतिमा को हटा दिया गया उसके विरोध में ये भीड़ इकट्ठी हुई है। और क्या कहना ये तमाम आए हुए संगठनों का, बस यहाँ पे आए हुए सिद्धांत गौतम से इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जब से ये सरकार आई है तब से लगातार जो है संविधान में भी संशोधन किए जा रहे हैं, बिल लाए हैं, अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। इस तरीके से जो है एक तो संविधान को भी कमजोर करने की कोशिश करी जाती है और दूसरी तरफ इन्होंने इनडायरेक्टली एक ही दिन के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा जो संविधान निर्माता कहे जाते हैं उनकी प्रतिमा को भी हटाकर दूसरे स्थान पर लगा दिया गया। क्या मंशा लग रही है सरकार? देखो मंशा स्पष्ट है, मंशा मोदी की नहीं सरकार की नहीं, सरकार आरएसएस है और आरएसएस सरकार है। जो आरएसएस की विचारधारा है इस देश में वो यथास्थितिवादी विचारधारा है। आरएसएस इस देश में मनुवाद को लागू करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है, यहाँ जाति धर्म के आधार पर देश को बांटे रखना चाहती है और जो ऊंच नीच समाज है समाज में है उसे बनाए रखना चाहती है। तो ये आरएसएस के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए आरएसएस के हेडक्वार्टर पर आज तक तिरंगा नहीं लगा था। और जो लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं वो संविधान में भी आस्था नहीं रखते हैं, इसलिए पिछले विगत 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है आरएसएस बीजेपी का वो संविधान के विरोधी रहा है। चाहे वो धर्म निरपेक्षता के विरोधी जाकर के काम किया हो, चाहे संघोल स्थापित करके काम किया हो, या राम मंदिर का निर्माण और उसका उद्घाटन करके काम किया हो, ये सब संविधान के विरुद्ध में काम किए गए हैं। और जहां तक बाबा साहेब अम्बेडकर की बात है, बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में लोकतंत्र के सूत्रधार हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में लोकतंत्र के जनक हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर इस देश में सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सामाजिक क्रांति का जो संदेश है वो 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के माध्यम से इस देश दुनिया के कोने कोने में जाता है। और जो अभी तक संसद के प्रांगण में जो बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई थी भव्य और विशाल रूप में, वहां पर बहुजन समाज के लोग और इस देश के करोड़ों लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्मदिन पर इकट्ठे होते हैं और परिनिर्वाण दिवस पर इकट्ठे होते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरणा लेकर के जाते हैं कि इस देश में सामाजिक परिवर्तन की गति को किसी भी कीमत पर रुकने नहीं देंगे और यहाँ संविधान को लागू करेंगे और इस देश में मानवीय व्यवस्था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को लागू करेंगे। तो उस जो सामाजिक परिवर्तन की गति है उसको भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस अवरुद्ध करना चाहता है और उसके विरोध में आज लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर पूरे देश से यहाँ बहुजन लोग इकट्ठे हुए हैं। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।